ऐवान मुस्तरब है, मुल्क के लिए परेशान है और ऐवान पर एतमाद किया जाए। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं। डिजोर न सही, डिफेक्टो सही, लेकिन इन्हीं से आपने काम लेना होगा। हकूमत को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अजीज की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर। सदर ए वजीर आजम की मुलाकात रंग लातो। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से सहकार ला तैयार। कौमी असेंबली में खिताब कदे मौलाना फजल रहमान है त फॉर्म 45 हो या 47 जी हाने इन ही हुकूमत का कम वो है। ये अवान डी जोड़ न त डिफेक्टिव ही सही पर हाने असा वेठा हूँ इन ही अवान का कम वो हों। फैसलाबाद जो घंटा घर ठहण से मसला हल ना, सियासी मानू ही मसला हल कर सकन था। दहशतगर्दी खिलाफ़ ताकत इस्तेमाल कर बदरा मामला सियासतदान हवाले क्या वन अज सियासी मानून के साइडलाइन किया पे वे। जे यूआई सरबरा चे तो वह ओपोजिशन में जरूर वेठो है पर जरूरत पी तो मुल्क लाए हर कुर्बानी देने लाए तैयार हैं। गुजरियल हफ्ते मौलाना फजल रहमान का मुलाकात दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ चो हो तो पक है त फजल रहमान इंतशारी टोले की सियासत के रद्द कह। हुकूमत कोशिश कदी तो संद खदशा खत्म किया वन।